Hello everyone, myself Dr. Jyoti Tiwari, friends. Today I'm going to discuss Kali Kaav, a very less used remedy and इसकी information भी बहुत कम है लोगों को. इसकी symptomatology they are very very peculiar, but हम इसका practice में use कम करते हैं या इसके patient actually इतने difficult होते हैं. तो इस remedy की क्या symptomatology और किस तरह से हम इसके symptom को find out करेंगे या समझेंगे, so let's begin. देखिए Kali Kaav को जैसा मैंने कहा it is very difficult remedy. And the patients are also very difficult, very hard to understand, very hard to rule out the symptomatology, right? इसमें जो symptom है क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके जो symptom है वहाँ पर आपको changeability बहुत ज़्यादा मिलेगी और opposite symptom बहुत ज़्यादा मिलते हैं. There will be changeability and symptom are opposite in conditions. ठीक है, अगर आप देखोगे पेशेंट के नेचर को तो यहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, वेरी मच इरिटेबल, वेरी मच ओवर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव फॉर बिहेवियर पैटर्न, ओवर सेंसिटिव फॉर चेंज ऑफ वेदर. और इसका जो बेसिक है जिस तरह से आप जानते हैं काली ग्रुप का, तो यहाँ पे क्वेरल फ्रॉम फैमिली, क्वेरल जो है काली ग्रुप की हर रेमेडी के साथ आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे क्वेरल किससे है, फैमिली से. देर इज़ सो मच क्वेरल फ्रॉम हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, इवन हिज ओन ब्रेड एंड बटर जिसे बोलते हैं. ओके आगे चल के अगर आप देखोगे तो पेशेंट इतने ज़्यादा चेंजेबिलिटी हो मिलती है यहाँ पर कि कई बारी जो उसका पेन होता है एक जगह परसिस्ट नहीं करता. समटाइम यू कैन फाइंड कि सिम्टम जो है एक जगह पे है, उससे डॉक्टर साहब यहाँ पे दर्द हो रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि पेशेंट का जो पेन है वो फ्लाई कर रहा है. जैसे पल्सेटिला के सिम्टम्स होते हैं, लैग कैन के सिम्टम होते हैं, सेम यहाँ पर भी है. बट यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज रेमेडी, राइट. तो इसका जो पेन है ना वो चेंजिएबल है, फ्लाइंग नेचर ऑफ पेन है. एंड देर इज़ सो मच कोल्ड सेंसेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि मैंने आपको बोला कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है फॉर ड्राफ्ट ऑफ एयर. उसने हमेशा यही देखते रहना है कि हवा कहाँ से आ रही है, लाइक हिप्पस सेल्फ या रस्टॉक्स है ना, हमेशा डोर बंद करके सोते हैं, तो उससे भी ग्रेटर डिग्री में है यहाँ. इवन पेशेंट जो है रात में उठ जाएगा और उठने के बाद वो कौन सा विंडो ओपन है एंड कौन सा डोर ओपन है, जो रूम का टेम्परेचर है वो सेट ही नहीं कर पाता. दिस इज़ द वेरी पिक्यूलियर ऑफ काली काव कि पेशेंट अपने रूम का टेम्परेचर ही नहीं सेट कर पाता. उसे समझ ही नहीं आता अभी अभी ठंड लग रही है तो फिर हीटर ऑन करेगा, फिर वो बंद करेगा. उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. चेंजेबिलिटी इज देयर, राइट. तो उसे जो कोल्ड सेंसेशन है थ्रू आउट बॉडी फील होता है, स्पेशली इन नर्व्स. यहाँ पर आप देखोगे आपको न्यूरेलजिया मिलता है और उस न्यूरेलजिया में कोल्ड सेंसेशन मिलेगा, विच इज़ वेरी पिक्यूलियर. कोल्ड सेंसेशन मिलेगा नर्व्स में और उसके लिए वो क्या करेगा, कवरिंग करेगा, कवर करके रखेगा. तो जिस पार्ट में उसने गर्म किया थोड़ी ही देर में, उसे दूसरे पार्ट में जो अनकवर्ड है कोल्ड सेंसेशन हो जाएगा. कोल्ड सेंसेशन थ्रू आउट नर्व्स, इस तरह से उसको सेंसेशन होगा, बॉडी पार्ट से कोल्ड फील होंगे. ये जो पेशेंट है मेंटल लेवल पे अगर अपन देखते हैं तो इसमें एंजाइटी फीचर्स दिखते हैं, लाइक आर्सेनिक, बर्निंग इज लाइक आर्सेनिक. तो यहाँ पे कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसको फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन होता है, फियर ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की चिंता करता रहता, अपने ही उसमें डूबा रहेगा, चिंता चिंतित रहेगा. क्वेरल इतना ज़्यादा रहेगा कि किसी से यू नो जो इसका बिहेवियर रहेगा हमेशा हार्ड बिहेवियर रहेगा, समझ ही नहीं आएगा ये क्या चाहता है, वॉट ही वॉन्ट. ही हैज़ ग्रेट फियर ऑफ डेथ, हाँ, फ्यूचर को लेकर के चिंतित रहना. अपने लाइफ में हमेशा उसको फियर रहता है, फियर कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा डिसीजन लूँ तो कैसा रहेगा, इफ़ आई टुक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी और वर्क तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो कैसे होगा. इस तरह से कन्फ्यूज़न इज़ देयर. यहाँ पे चेंजेबिलिटी मिलेगी, ग्रेट कन्फ्यूज़न मिलेगा, कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, ग्रेट अपोजिट सिम्टम्स मिलेंगे. इस रेमेडी को पहचानने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कई सारी रेमेडी से यहाँ पे मैच करेंगे, आपको सिम्टम लगेगा अरे तो नक्स वॉमिका है, ये तो आर्सेनिक है, ये तो रस्टॉक्स है या हिपरसल्फ है. तो यू नीड टू रूल आउट एग्जैक्टनेस ऑफ काली काव. यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, मेंटल मेज बेसिकली, कि पेशेंट को ना हमेशा मैंने बताया ना कि अलोन ऑफ बीइंग से उसे एग्रावेशन है, अकेले रहने में उसका जो मेंटल है उसे सपोर्ट नहीं करता. एग्रावेशन इज़ दैट, ऐसा नहीं कि उसे पसंद नहीं है, वो जब अकेले रहता है तो उसे लगेगा कि अरे विंडो खुली हुई है बंद कर दूं क्या, पूरा उसे नींद ही नहीं आएगा, रेस्टलेस हो जाएगा. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली रेस्टलेसनेस, पेशेंट इज़ अवेक, पेशेंट इज स्लीपलेस, पेशेंट इज ऑन मूव, कभी डोर बंद करेगा कभी विंडो बंद करेगा, हमेशा वो इस सोच में विचार में रहा आएगा कि दरवाज़ा बंद कर दूं क्या, खिड़की बंद कर दूं क्या, क्योंकि देर इज़ फियर फैक्टर, फियर ऑफ घोस्ट.
फियर ऑफ डेथ कि कहीं कोई आना जाए, ऐसा तो नहीं कुछ हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चल पाएगा, इस तरह का जो मेंटल लेवल है यहाँ पे आपको मिलता है. नेक्स्ट पिक्यूलरिटी इज दैट ग्रेट बर्निंग सेंसेशन लाइक कोल ऑफ फायर. आपने पढ़ा होगा, फाइटोलक्कम में भी देखा है, अदर रेमेडीज आर देयर, आर्सेनिक इज देयर. यहाँ पे इंटरनल बर्निंग आपको मिलेगी जहाँ पे स्टिंगिंग, कटिंग, टियरिंग सेंसेशन रहेंगे लाइक एपिस, है ना. तो डिफ्रेंशिएशन भी हमें आना चाहिए कि इन सेंसेशन के साथ साथ अगर पेशेंट का मेंटल मैच कर रहा है, उसके फिजिकल जनरल मैच कर रहे हैं, तो आप काली काप की तरफ जा सकते हो. तो क्या होना है यहाँ पे, अगर पेशेंट को इंटरनल पार्ट में कोई इशू हुआ है या बॉडी कहीं उसे निरेलजिया भी है, तो कोल्ड सेंसेशन के साथ उसे बर्निंग भी मिल सकती है. देयर इज ग्रेट पेन, ग्रेट ग्रेट पेन लाइक टियरिंग, फट जाएगा, कटिंग पेन, जैसे कोई नाइफ से पेन लाइक ऐसा सेंसेशन आता है जैसे कोई नाइफ से काट रहा है. कटिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा अगर नसों को कोई मेरे चाकू से काट रहा है, इस तरह का सेंसेशन आपको मिलता है. ग्रेट बर्निंग जैसा कि मैंने आपको बताया लाइक आर्सेनिक. बट डिफ्रेंशिएशन आप देखोगे कि अगर इस पेशेंट को हेमराइड्स हैं, तो उसे ऐसा लगेगा कि अंदर की तरफ कुछ गरम गरम जो है, कुछ जो हॉट कोल है या कुछ इस तरह का, उसे लगेगा कुछ गरम इंस्ट्रूमेंट है जो अंदर की तरफ जा रहा है. और ग्रेट बर्निंग इन हेमराइड, स्पेशली इन इंटरनल पार्ट, राइट. तो आपको कालिकाप याद रखने के लिए इसके कॉम्प्लेक्सिटी याद रखनी पड़ेगी, वेरी कॉम्प्लेक्स रेमेडी, चेंजेबिलिटी इज देयर एंड अपोजिट सिम्टम्स आर देयर. और जैसे कहते हैं कि 3 से 4 रेमेडी के कॉम्बिनेशन, 5 रेमेडी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एपिस के, आर्सेनिक के, नक्स वोमिका के एंड हिप्पोसल्फ के. तो यू नीड टू डिफ्रेंशिएट पल्सिटिला, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि चेंजेबिलिटी वहाँ पर भी है. तो आपको देखना है कि फ्लाइंग नेचर ऑफ पेन है, चेंज हो रहा है, कोल्ड सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, मेंटल इसके आपको मैच करने पड़ेंगे, देन यू कैन प्रिस्क्राइब कालिकाप. सो इट इज रेयर रेमेडी फ्रेंड्स, जनरली रेयर तो प्रैक्टिस में हम यूज नहीं करते, इसलिए मैं रेयर कह रही हूँ, अदरवाइज हमारे क्लिनिक में हर प्रैक्टिशनर के पास अवेलेबल होती है. तो कालिकाप का प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए इन पिक्यूलैरिटी के थ्रू जाइए एंड इस तरह से रेमेडी को फाइंड आउट करें एंड स्टडी करें. थैंक यू सो मच.